हम सम तम पम वम बम बम हम सम तम तम पम पम द्राम द्राम त्रीम त्रीम द्रवि द्रवि झम झम श्रीम श्रीम हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामीति स्वाहा। घी से अभिषेक करिए, अत्यंत पुष्टि करिए, कृत तृप्तिकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करो अभी में, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बं बं हं सं तं पं बं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवि द्रवि झं झं श्रीं श्रीं हं सः त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामीति स्वाहा। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सम वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बं बं हं सं तं तं बं 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 हं हं सं सं तं तं बं बं राम राम ह्रीं ह्रीं भर भर झं झं ह्रीं श्रीं हं सः त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामीति स्वाहा। दही से अभिषेक करेंगे। जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीपय हुआ बस बर्फ समही। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्री क्लीं ऐं मरं बं बं हं सं तं बं 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 हं हं सं सं तं तं बं बं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव झं झं ह्रीं क्लीं हं सत्लोक स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामीति स्वाहा। सर्वौषधि से एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके। सर्वौषधि मिलित सार कषाय जल से संसार रोग हर हेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं त्रिवर पते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामीति स्वाहा। चार कलशों से तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोण कलशे। त्रैलोक्य नाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र जिसके चतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रों ह्रा अस्या उषा नमो रते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलश जलाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रति चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन विलेप हेतु। सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बं बं हं सं तं पं पं बं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव झं झं ह्रीं ह्रीं हं सः त्रैलोक्य स्वामिनो कल्कुजमलयुतोर्ध्वं नमोरते स्वाहा। अब पुष्प वृष्टि कीजिएगा। ओम ह्रीं पुष्प वृष्टिं करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती ओम ह्रीं क्रों समस्त नीराजन द्रव्यहि नीराजनम करोमि दुरितम अस्माकम अपरतो भगवान स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामीति स्वाहा। सुगंधि जल से अभिषेक कर्पूर्ण चूर्ण मलिया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने। गंधा मुसे नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बं बं हं सं तं बं 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 हं हं सं सं तं तं बं बं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव झं झं ह्रीं ह्रीं हं सः त्रैलोक्य स्वामिनो सुगंधि जलेन अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घ धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे जिन नाथ मोहम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामीति स्वाहा। शांति धारा। चलिए अब शांति धारा करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा शेषदोषकल्मषाय
दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकृति क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डाम विनाशनाय ओम राम रीम रूम रम रा अस्या उषा नमः गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व शांति धारा कर्तृणाम संघपति श्री अनिल कुमार जैन प्रीत बिहार कमल मंदिर निवासी सपरिवार से तत्पुत्री श्रीमती अनामिका निकुंज जैन सपरिवार से इंजीनियर सी आर पाटिल अधिष्ठाता ऋषभदेवपुरम सपरिवार से श्री साहू सुभाष चंद जैन साहू मंगला जैन सपरिवार से सर्व ब्रह्मचारिणीगण सर्वसंघ से पंडित प्रवीण चंद शास्त्री सपरिवार से सर्व पूजका नाम सर्व भक्तिका नाम च सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व मानम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व रागम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व गजभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व सिंहभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व अग्निभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व सर्पभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व युद्धभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व सागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व निगडादिबंधनभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व आस्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वाष्पधानी विस्फोटकभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षरणभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व भूत पिशाच यंत्रणाग्नि शाकिन्यादिभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व धनहानिभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व व्यापार हानिभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व राजभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व चौरभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दुष्टभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व शत्रुभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व शोकभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वार्थ उद्रध्यानम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वायसः चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व पापम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व विद्याम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व कुमतिम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व क्रूर ग्राभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व आपमृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराति वीर वर्धमान नाम अलंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरमाद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरुर्दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रदेशे मांगीतुंगी सिद्धि क्षेत्रे श्री शबदेवपुरम नाम नगरे श्री नवग्रह शांति जिन मंदिरे वीर निर्वाण संबत 2544 तमे मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथौ सोमवासरे विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संगस्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य लखनऊ निवासी श्री कैलाश चंद जी आदिश कुमार अध्यात्म जैन सपरिवारस्य सुभाष चंद सुपचंद जैन सपरिवारस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तिकानां सर्वशान्तिधारा कर्तॄणां च शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तिन कामदेव रूप श्री शांति ने सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्दम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते
आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन्द्रिन प्रतिमाया मस्तकस्य परि शांति धाराम करोमीति स्वाहा गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सरसंग सुंचा मुंबई निवासी श्री कमल कुमार जैन कासलीवाल श्री जमनालाल जी लक्ष्मी जैन हपावत स परिवार से श्रीमती कामनी देवी जयप्रकाश जैन दरियावा उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार से श्रीमती त्रिशला देवी चंद प्रकाश जैन नाकांडोला लखनऊ निवासी सपरिवार से सर्व शांति धारा कर्तृणाम सर्व पूजकानाम सर्व भक्तिकानाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु सर्व विघ्न निवारणम कुरु कुरु सर्व ग्रह अरिष्ट शांतिम कुरु कुरु सर्व कार्य सिद्धिम च कुरु कुरु वसत स्वाहा। जब लो शांतिनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैशर सुदीप सुदूप पलार्ग कई ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रायन मार्गम निरपामीति स्वाहा। अर्चना फल चढ़ाइएगा। तुभ्यम नमः त्रिभुवनाथ हराय नाथ तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय तुभ्यम नमस्ते जगतः परमेश्वराय तुभ्यम नमो जिन भवो दधिशोषणाय। ओम ह्रीम हरि सबगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्य उपरि विराजमान सतास्त फुटोत्तुंग श्री ऋषभ देव जिन प्रतिमाय नमः अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। जल पलियाटो सुचि सारिता को अर्घ्य करो तुम को अर्पो भवतारे भवतरी मोक्ष वरो चौबीसो श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जगत हरत भव फंद पावत मोक्ष नहीं। ओम ह्रीम प्रस्मादि वीरांतेभ्यो चतुर्विंश तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकरेभ्यो नमः। और यहाँ पर नंदीश्वर द्वीप के रूप में बावन चैत्यालय समन्वित चैत्यालय भी विराजमान है, उनके चरणों में भी अर्घ्य चढ़ाएं। ओम ह्रीम द्वापंचाशज्जनालयस्थ सर्वजिन बिंबेभ्यो नमः। नंदीश्वर द्वीपस्थ सर्व द्वापंचाशज्जनालय जिन बिंबेभ्यो अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैशर सुदीप सुरूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूरि महम यजे। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी आचार्य वीर सागर आदि समस्त परम्पराचार्य भ्यो नमः अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाली सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका युग प्रवर्तिका मांगी तुंगी में विराजमान 108 फुट मूर्ति के निर्माण की प्रेरणा स्रोत गणी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। वंदामि माते मानो महागिरी हिमाचल से गिरी है आकाश गंग जलधार पवित्र गंगा अरहंत कानवन नीरे से नमो मैं उत्त मांग उर में दृग में लगाऊं। ओम नमो रथ परमेश्वर शांतिर्भवतु स्वाहा। जब लो भगवान के पवित्र गंधोदक की जय। जिनेन्द्र भगवान के प्रतिमा के अभिषेक से पवित्र गंधोदक के द्वारा अपने तन और मन को पवित्र करके दिवस का शुभारंभ हो रहा है। आष्टानिक पर्व चल रहा है भव्यात्माओं। जब सारे इंद्र और देवतागण भी नंदीश्वर द्वीप में जाकर वंदना कर रहे हैं पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से निर्मित 52 जिनाले से समन्वित एक जिन मंदिर के रूप में यहाँ पर 52 प्रतिमाएं भी विराजमान हैं जिनका प्रतिदिन अभिषेक होता है। आप सब लोग उनका अभिषेक करके देख करके मन को आत्मा को पवित्र करते हैं
और आज आपको जो कल रविवार को नवग्रह शांति विधान अनेक भक्तों की ओर से ऋषभदेवपुरम के नवग्रह शांति जिन मंदिर में संपन्न किया गया उसकी झलकियां भी अभी यहां पर दिखाई जाएंगी। इसके साथ ही आप सबको जान लेना है कि आज हमारे बीच में परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की साक्षात धरोहर के रूप में जिन्होंने 3 बार आचार्य श्री के दर्शन किए, नीरा में, बारामती में और कुंथलगिरी में स्वयं उपस्थित होकर पूज्य आचार्य श्री की संलेखना को देखा, उनसे शिक्षाएं ग्रहण की, उनसे उपदेश प्राप्त किया और उनके आदेश को लेकर प्रथम पट्टाचार्य वीर सागर महाराज से आरिका दीक्षा प्राप्त करके ज्ञानमती नाम से अलंकृत हुई। ऐसी ज्ञानमती माताजी मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र में ऋषभदेवपुरम परिसर के अंदर विराजमान है। आप सबको ध्यान देना है कि जब मांगी तुंगी के लिए आप आते हैं तो ताहराबाद से मांगी तुंगी जाते हुए जो फाटक पड़ता है उसके बिल्कुल पास में ये ऋषभदेवपुरम नाम का नगर है, जहाँ बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है नवग्रह शांति जिन मंदिर गेट में घुसते ही मिलता है। वहाँ पर पूज्यगणनी ज्ञानमती माता जी का प्रथम चातुर्मास होने जा रहा है। वैसे तो मांगी तुंगी में 2 चातुर्मास संपन्न हुए हैं, सन 2015 में, सन 2016 में और सन 2017 में मुंबई के अंदर चातुर्मास हुआ। अब सन 2018 में भक्तों के आग्रह से और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की स्वयं जो भगवान सर्वोच्च प्रतिमा के प्रति विशेष भक्ति अनुराग रहा उसी के प्रतिफल में ये चातुर्मास यहाँ जो ऋषभदेव परिसर 108 फुट मूर्ति निर्माण ट्रस्ट कमेटी की ओर से इस नूतन परिसर का सृजन विकास किया जा रहा है उस परिसर में ये प्रथम वर्षा योग होने जा रहा है। 26 जुलाई आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को जब पूरे 2.5 द्वीप के अंदर दिगंबर जैन संतों के चतुर्थ संघ की वर्षा योग स्थापना करने की परंपरा और आगम मान्यता है, उसी मान्यता का, उसी परंपरा का सदा सदा 66 साल से पूज्य माता जी ने निर्वाह किया है और आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को ही वे वर्षा योग की स्थापना हमेशा करती हैं। तो इस बार भी 26 जुलाई को मध्याह्न में 3 बजे से वर्षा योग स्थापना की सभा का आयोजन किया गया। आप सबको जान लेना है कि आगम में साधुओं के वर्षा योग में कलश स्थापना का कहीं कोई भी विधान नहीं है और ना ही चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज, वीर सागर महाराज, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, इन सब लोगों ने कभी भी नहीं किया। हमने स्वयं सन 1974 में आचार्य धर्म सागर महाराज को दिगंबर जैन लाल मंदिर दिल्ली के अंदर वर्षा योग स्थापना करते देखा है। बस भक्ति पाठ किया जाता है, श्रावकों के लिए सभा का आयोजन किया जाता है, उसी परंपरा का निर्वाह करती हैं प्राचीन जैन साध्वी ज्ञानमती माता जी। और वो कहती हैं कि कलश का साधु से क्या लेना देना और वर्षा योग से क्या लेना देना, वो तो कहीं जंगल में होते हैं वहीं चातुर्मास स्थापना कर लेते हैं। प्रमुख इसमें होती है कि वर्षा योग स्थापना के भक्ति पाठ की क्रिया जो कि पूर्व रात्रि में 9 बजे यानी सामायिक के बाद, सायंकालीन सामायिक के बाद की जाती है भक्ति पाठ की क्रिया, वह करती हैं उसी के अनुसार रात को 9 बजे भक्ति पाठ की क्रिया करेंगी, वर्षा योग की स्थापना करेंगी और दिन में 3 बजे से ट्रस्ट कमेटी ने सभा का आयोजन किया है जिसमें श्रावक लोग पधार करके पूज्य माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो विशेष रूप से इस प्राचीन परंपरा का निर्वाह करने वाली जो
एक नमूने के रूप में ज्ञानमती माता जी हैं, क्योंकि आज आचार्य वीर सागर महाराज के भी कोई शिष्य नहीं है, एकमात्र शिष्या ज्ञानमती माता जी हैं। तो इनके सानिध्य में आकर के आपको प्राचीन आगम की बातें देखने और सुनने को मिलेंगी। इनके सानिध्य में आप लोग अनेक प्रकार की शास्त्रीय बातें भी प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसी श्रृंखला में बेसिक नॉलेज आप जैनिज्म का भी आजकल आपको अध्ययन कराया जा रहा है, और उसके माध्यम से हम बाल विकास की पुस्तकों को पढ़ाते हैं। नाम तो है इसका बाल विकास, लेकिन इसके अंदर ऐसी जैन धर्म की मूलभूत बातें हैं, उसके मूलभूत सिद्धांत हैं, जिनको जान करके आप किसी का भी समाधान कर सकते हैं। क्या जैन धर्म क्या है? जैन धर्म एक प्राकृतिक धर्म है, शाश्वत है, अनादि है, और इसकी किसी ने स्थापना नहीं की है, ना इसे कोई नष्ट कर सकता है। तो ये सब चीजें हैं। मैंने कल आपको बाल विकास के तीसरे भाग में पहला पाठ बताया था, और उसी पाठ के पश्चात उसी पेज पर एक चार लाइन की बहुत सुंदर दिगंबर जैन मुनियों की स्तुति भी पूज्य माता जी ने दे रखी, जिसके अंदर सारा समझो कि जैन संत की चर्या समाविष्ट हो जाती है। अंतर विषय वासना वरते बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा धर नहीं सके दीन संसारी, ऐसे दुर्धर नग्न परिस जीते साधुशील व्रतधारी, निर्विकार बालक वत निर्भय तिनके पायन धोख मारी। बंधुओं, प्यारी बहनों, बच्चों, मैं चाहती हूं कि जो कुछ इन्होंने लिखा है कोई भी एक शब्द पुस्तक का छोड़ा ना जाए, इसके हर एक शब्द से आपको परिचित कराया जाए। कितनी सुंदर बात इसके अंदर कही है कि वे दिगंबर मुनिराज जो तीर्थंकर मुद्रा के अनुयायी होते हैं, और बालकवत निर्विकार जिनकी मुद्रा होती है, और जिनके अंतरंग में विषय वासना का लेश मात्र नहीं रहता है, परम दिगंबर मुद्रा को धारण करते हैं। उसके लिए कहा कि वह मुद्रा धर नहीं सके दीन संसारी, जो दीन है, दुखी है, विषयों में फंसे हुए हैं, वे संसारी प्राणी कभी भी इस मुद्रा को धारण नहीं कर सकते। वीर मुद्रा है और तीर्थंकर की मुद्रा है, कमंडल और पिच्छी इसकी पहचान है, वे कोई वीर पुरुष धैर्यशाली आत्माएं ही धारण करती हैं। इसीलिए आज आप देखते हैं कि 130 करोड़ के लगभग जनसंख्या वाले भारत देश के अंदर दिगंबर जैन साधु साध्वी कितने हैं। आज बहुत हुए तो 1500 से 1600 की उनकी संख्या आती है, तो हम समझते हैं बहुत हो गए। पूज्य ज्ञानमती माता जी बताती हैं कि जब सन 1952 में मैंने घर छोड़ा, तो उस समय 50 से 60 की संख्या में पूरे देश के अंदर साधु लोग थे, और केवल एकमात्र आचार्य शांति सागर वीर सागर महाराज का ही संघ पूरे देश के अंदर और खास करके कर्नाटक या राजस्थान में विचरण करता था। और आज वो जब देखती हैं कि 1500-1600 की संख्या में और तमाम युवा लोग दीक्षा धारण करके मुनि वेश में हैं, तमाम आरिकाएं बाल ब्रह्मचारिणी बन करके और ब्राह्मी सुंदरी चंदनवाला के पद पर अग्रसर हैं, तो बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। तो ये पंचम काल की बहुत बड़ी देन है। तो आपको चैत्य वंदना के बाद इन चार लाइनों में भगवान दिगंबर मुनिराज की स्तुति पढ़ लेना और जान लेना है। आफ्टर दिस चैत्य वंदना स्तुति इन दिस पेज आर लेसन श्री गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी हैज टोल्ड द फोर लाइन्स अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ दिगंबर जैन मुनीज सेंट्स। शी सेज देयर दैट इन ह्यूमन लाइफ ओनली द ग्रेट पर्सन्स कैन गेट जैनेश्वरी दीक्षा। केवल महापुरुष ही
इस जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर सकते हैं बिकॉज दैट नेचुरल मुद्रा इज द सिंबॉलिक पावर ऑफ अनब्रेकेबल आर कंप्लीट सेलिबेसी ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की साकार प्रतिमा होते हैं दिशाएं जिनके अंबर होती हैं। हु हैज वर्ल्डली एंड सेक्सुअल डिजायर कैन नॉट एक्सेप्ट दिस वैल्युएबल इनिशिएशन दीक्षा। जो संसार के भोगों में हमेशा रमण करते हैं इंद्री सुखों को अपना सुख मान लेते हैं वे कभी भी ऐसी महान जैनेश्वरी दीक्षा को धारण ही नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दिगंबर जैन सेंट, दिगंबर जैन मुनि का वास्तविक अर्थ क्या है? लोग समझते हैं नंगे हैं, नंगे तो कोई भी हो सकता है लेकिन ये नंगे नहीं, ये दिगंबर होते हैं। यू शुड नो दैट अ दिगंबर मुनि नेवर वियर्स एनी ड्रेस और एनी क्लॉथ, ही रिमेन्स नेकेड ओनली। एकमात्र वस्त्र धागा भी अपने शरीर पर नहीं डालते, वे नग्न होते हैं। ही डज नॉट हैव एनी पोजिशन लाइक हाउसेज शॉप्स फार्म हाउसेज कार्स व्हीकल्स रुपीज एक्सेट्रा। कोई परिग्रह नहीं रखते, कोई रुपया नहीं, पैसा नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, फार्म हाउस नहीं, जहाँ उन्हें जगह मिल जाती है वहीं रहते हैं। अब आप देखो ज्ञानमती माई 3 साल से मांगी तुंगी आए, यहाँ जो कमेटी वालों ने दे दिया 3 पतरे के कमरे उसी में अपना रहती हैं। अभी भक्तों ने एक आरिका रत्नमती रत्नत्रय निलय बना दिया लखनऊ के कैलाश चंद जी जैन स्वामी जी के गृहस्थ अवस्था के भ्राता, उन्होंने बना दिया कि कम से कम ज्ञानमती माता जी को थोड़े दिन तो उस संत निवास में रखिए और उसके बाद आने वाले सभी संतों का उसके अंदर निवास होता रहेगा। तब माता जी उस त्यागी भवन में संत निवास में जो आरिका श्री रत्नमती माता जी के नाम से उनके गृहस्थ पुत्र ने बनाया है, उनके परिवार ने बनाया है, उसमें रह जाएंगी। लेकिन हम लोगों को उससे कोई ममत्व की बात नहीं, अपन चातुर्मास करेंगे यहाँ से निकल जाएंगे। तो जैन साधु साध्वी किसी प्रकार का कोई परिग्रह कोई अपनत्व कहीं से भी ना वस्त्रों के प्रति ना भोजन के प्रति ना आवास के प्रति ना किसी परिवार के प्रति कोई ममत्व रखते नहीं, यही उनकी रियल असली पहचान होती है। तो ही ऑलवेज रिमेन्स बिजी इन ब्यूटिफाइंग हिज ओन सोल एंड डज स्वाध्याय ऑफ रिलीजियस बुक्स ट्रीटाइजेस ऑल द टाइम्स। वे हमेशा ज्ञान और ध्यान में अनुरक्त रहते हैं, इसीलिए इनकी पहचान विद्वानों ने क्या बनाई, ज्ञानमती माताजी तेरी यही निशानी, एक हाथ में पिच्छी दूजी में जिनवाणी। ये इनकी पहचान होती है। और सारे ही संत ज़्यादातर ज्ञान ध्यान में अनुरक्त रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। द रियल सेंट इज लाइक ए बॉर्न चाइल्ड बाई हिज पायस एंड सिनलेस एक्टिविटीज ही डज सफर मेनी काइंड्स ऑफ एफ्लिक्शंस एज केस लोच प्लकिंग ऑफ ओन हेयर्स नॉट टू टेक बाथ स्नान व्रत टेकिंग द मील्स वन टाइम ओनली इन 24 आवर्स इन स्टैंडिंग पोस्चर फास्टिंग एक्सेट्रा। दिगंबर जैन साधु खड़े होकर के हाथ में आहार करते हैं और आरिकाएं बैठ करके करपात्र में आहार करते हैं। जैसे दिगंबर मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं ऐसे आरिकाओं के भी 28 मूल गुण और उपचार से महाव्रत मानते हैं। सो ऑल पीपुल बो टू हिम ऑल ऑफ अस एंड ऑल ऑफ यू शुड ऑल्सो बो टू हिम वर्शिप हिम टू गेट पुण्य एंड पाथ ऑफ सल्वेशन। तो महानुभाव इन सब दिगंबर संतों के चरणों में हम सब नमन करें, पुण्य की प्राप्ति करें और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हों, यही आप सब के लिए प्रेरणा है। और मैं कल आपको आगे के पाठ पर ले चलूंगी, बाल विकास का 3रा भाग प्रारंभ हुआ है, कल हम उसके पाठ 2 पर आपको ले चलेंगे दर्शन पाठ। और मैं ब्रह्मचारिणी श्रेया बहन जी से कहूंगी कि वो हमारे
सभी पढ़ने वाले और परीक्षा देने वाले लोगों के लिए उस पाठ का PDF भी व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और आप लोग सवेरे उसको खोल करके और बेसिक नॉलेज आप जैनिज्म की क्लास को अटेंड करते रहिए और ज्ञान को प्राप्त कीजिए। जय बोलिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्माओं, हम और आप सभी भावों से मांगी दुंगी पर्वत पर चढ़ेंगे और ऋषभगिरी पहुँच करके ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च जो नवनिधि व्रत कर रहे हैं उनके लिए आज पंचम दिवस है, सप्तमी से प्रारंभ हो चुका है, और जो नहीं भी कर रहे हैं मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं षष्ठ चक्रवर्ती पद प्राप्ताय श्री कुंथुनाथाय नमः। ओम ह्रीं षष्ठ चक्रवर्ती पद प्राप्ताय श्री कुंथुनाथाय नमः। पुनः जो नवग्रह व्रत कर रहे हैं उनके लिए मंत्र है, ओम ह्रीं अरहम गुरु ग्रहारिष्ट निवारक श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गुरु ग्रहारिष्ट निवारक श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। पुनः नंदीश्वर पर्व का जाप है आज, ओम ह्रीं चतुर्मुख संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं चतुर्मुख संज्ञाय नमः। महानुभाव, जो आष्टानिक पर्व में 8 दिन उपवास करते हो तो उत्कृष्ट विधि है ही है, और जघन्य विधि है एक बार शुद्ध भोजन। मध्यम विधि में जो विधि शास्त्रों में वर्णित है, आष्टानिक पर्व की कथा आदि में वर्णित है, उसमें मैंने बताया था आपको कि अष्टमी को उपवास और एकादशी को एक बार शुद्ध भोजन, नवमी को, दसवीं को पानी और भात, और आज एकादशी है, एकादशी को बताया है अवमोदर्य। अवमोदर्य यानी भूख से कम खाना, एक बार शुद्ध भोजन उसमें भी भूख से 1 ग्रास 2 ग्रास आदि कम खाना, ये अवमोदर्य तप कहलाता है। अनशन तप, बाह्य तपों में भी एक अनशन और अवमोदर्य नाम का दूसरा भेद है। इसी दिन अवमोदर्य भोजन करना, तो कितना उपवास का फल है इसका, देखिए आप 50 लाख उपवास का फल मिल जाता है। ये पर्व के दिनों की एक महिमा है, महत्ता है। नंदीश्वर पर्व में किया गया व्रत, विधिवत किया गया व्रत इतने इतने उपवासों को फलता है, अन्य दिनों के किए गए व्रतों की ऐसी महिमा नहीं रहती है। एक बृहत्पल्य व्रत आता है जिसमें उन तिथियों में जो बताई गई हैं शास्त्रों में उनके अनुसार उस तिथि में व्रत करने से, उपवास करने से पल्य, एक एक पल्य, दो दो पल्य आदि उपवासों का फल मिल जाता है। आप समय शिखर की वंदना करते हैं, एक एक टोंक के वंदना से कितने कितने उपवासों का फल मिल जाता है। भगवान के मंदिर में आकर वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं और भक्ति भाव पूर्वक भगवान की पूजा वंदना स्तुति करते हुए आपको अनंत उपवास का फल मिल जाता है। तो ऐसा वर्णन जो आगम में वर्णित है इसके अनुसार आपने सुना है। अब मैं आपको ले चलूं, ये नंदीश्वर पर्व जैसा कि हमें और आपको सबको स्वाध्याय करने से ज्ञान प्राप्त हुआ है कि पहला द्वीप है जम्बू द्वीप और 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप, एक द्वीप और एक समुद्र, ऐसा करके असंख्यातों द्वीप समुद्र मध्यलोक में हैं। एक द्वीप से एक समुद्र व्यवस्थित है, चारों तरफ से घेरे हुए है, दूसरे द्वीप को समुद्र को घेर कर द्वीप है, पुनः घेर कर उसको समुद्र है, ऐसे गोलाकार में होते गए हैं। तो ये 8वां द्वीप जो है बहुत बड़ा हो जाता है और यहाँ पर जो ये रचना है 52 जिन मंदिरों की, उसमें प्रत्येक दिशा में 13 पर्वत और उन पर जिन मंदिर हैं। अंजनगिरी जो पर्वत है बीचों बीच में,
वो 84,000 योजन ऊंचा है, 84,000 योजन चौड़ा, बराबर समान है। इंद्र नीलमणि से निर्मित, बहुत सुंदर, चिकना, उबड़ खाबड़ पर्वतों जैसा पर्वताकार नहीं है, ध्यान में रखना। आप हस्तिनापुर में जाकर 13 दीप की रचना के दर्शन करें, वहाँ आपको दिखेगा पर्वत का आकार। प्रायः आजकल लोग जो है कुछ ऊंचा नीचा बना देते हैं, किंतु ये पर्वत सुमेरु आदि ऐसे नहीं हैं, बराबर चिकने एकदम समान हैं। इस पर्वत के चारों ओर 4 बावड़ी हैं, एक एक दिशा में एक एक बावड़ी, और 1,00,000 योजन चौड़ी चौकोन हैं। उनके बीचों बीच में दधिमुख पर्वत हैं, जो 10,000 योजन चौड़े, 10,000 योजन ऊँचे, उसे बराबर समान वाले हैं। उतने ही चौड़ाई उतनी ऊंचाई दिए हुए हैं, और श्वेत वर्ण के बहुत सुंदर हैं, कुंद पुष्प के समान, इसीलिए ने दधि के समान वर्ण होने से दधिमुख पर्वत इनका सार्थक नाम है। पुनः उन बावड़ियों के चारों तरफ वनखंड हैं, उन वनखंडों में पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर आदि के क्रम से सुंदर वनखंडों में एक एक चैत्य वृक्ष हैं। इन चैत्य वृक्षों में अशोक, सप्तक्ष, चंपक और आम्र नाम के वनखंड हैं, अनादि निधन शाश्वत। उनमें पृथ्वी का एक रत्नमयी जो चैत्य वृक्ष हैं, उनकी कटनी पर, तृतीय कटनी पर 4 प्रतिमाएँ विराजमान हैं, उनको भी आप नमन करें। ये त्रिलोकसार, त्रिलोपण इत्यादि ग्रंथों में वर्णित है कि प्रत्येक बावड़ी के चारों ओर वनखंड और उनमें चैत्य वृक्ष, ऐसे 64 चैत्य वृक्ष हो जाते हैं। पुनः से इन बावड़ी के चारों कोनों में जो बाहर के 2-2 कोण हैं, उन दोनों कोणों पर, बाहर के 2-2 कोण पर, ऐसे 4 बावड़ियों के 8 कोण पर रतिकर पर्वत हैं। ये स्वर्ण के समान वर्ण वाले हैं, लाल नहीं करके पीले हैं, स्वर्णिम वर्ण के हैं, और 1,000 योजन चौड़े, 1,000 योजन ऊंचे हैं। इन ऐसे इन 13 पर्वतों पर 1 अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिकर, 13-13 पर्वत एक एक दिशा में होने से 52 पर्वत हो गए। इन पर आकृति अनादि निधन जिन मंदिर हैं, जो 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े आदि, मैंने कल आपको बताया था। नंदीश्वर पर्व वर्ष में 3 बार आता है, यह आषाढ़ है, आषाढ़ शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा तक, पुनश्च कार्तिक शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा तक, और पुनः फागुन शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा तक। एक बात ध्यान में रखें, ये तिथियां अनादि हैं, तारीख वगैरह जो आजकल है वो सादी है, क्रिश्चियन पद्धति से, पाश्चात्य सभ्यता से आ गई। तिथियां अनादि हैं, हमारे यहाँ की तिथि के क्रम से ही, इन तिथियों के हिसाब से ही देवगण पर्व मनाते हैं, चाहे 16 कारण पर्व हो, चाहे 10 लक्षण पर्व हो, और चाहे नंदीश्वर पर्व हो या अनादि निधन पर्व, यहाँ की तिथि के आधार से ही देवगण मनाते हैं। आज सभी देवगण, असंख्यातो देवगण, इंद्र परिवार, इंद्रानी देव देवियाँ आदि मिलकर, चारों प्रकार के देव, भवनवासी, वेंतर, जोशी, कल्पवासी आदि सब मिलकर के नंदीश्वर द्वीप में असंख्यातों देव मिलकर वहाँ पूजा कर रहे हैं। अवगाहन शक्ति विशेष तीर्थंकरों के गर्भजन आदि कल्याणकों में जब यहाँ देव आते हैं, हस्तिनापुर हो चाहे कुंडलपुर हो चाहे अयोध्या हो, जन्मभूमियों में असंख्यातों देव परिवार आता है। 1,00,000 योजन का हाथी अरावत हाथी बना करके, और सब वहाँ समाविष्ट हो जाते हैं। ये अवगाहन शक्ति विशेष, अतिशय विशेष, महिमा विशेष, हमेशा ध्यान में रखो। ये शंका का विषय नहीं, कैसे आ जाएंगे। हमारे रविंद्र कीर्ति जी जब पंडाल आदि बनाते हैं तो फुट के हिसाब से मनुष्य की गणना कर लेते हैं, कितने वहाँ बैठ सकते हैं, कितनी कुर्सी रख सकती है, कितने जमीन पर बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ जो है ऐसी गणना नहीं बन पाएगी, समझे। असंख्यातों देव समाविष्ट हो जाते हैं भगवान के समोसरण में। 1 योजन का समोसरण भगवान महावीर का था, यानी 4 कोस का, 8 मील का, आकाश में अधर, 8 भूमियों में, जो 8वीं भूमि श्रीमंडप भूमि है उसमें 12 सभाएं, और देवों की सभा, देवांगनाओं की सभा में असंख्यात देव, असंख्यात देवियां बैठे थे बिना धक्का मुक्की के। यह अतिशय महात्म अवगाहन शक्ति विशेष।
भव्यात्माओं, ये जैन आगम, जैन ग्रंथ, त्रिलोकसार आदि ग्रंथ, ये शंका का विषय नहीं है। हम और आप निसंकित होकर इन पर शोधन करें। नान्यथावादिनो जिनाहा, जिनेन्द्र भगवान के वचन अन्यथावादी नहीं हो सकते। हमें भगवान के वचनों पर श्रद्धान होना चाहिए। यहाँ मैं आपको ले चलूँ, ये इंद्रगण देवगण जो नंदीश्वर पर्व में आते हैं तो कैसे क्या व्यवस्था करके आते हैं। आप लोग तो कहीं भी जाते हैं, चाहे मांगी तुंगी आए, चाहे अयोध्या जाएँ, चाहे हस्तिनापुर जाएँ, चाहे श्रवण बेलगोल जाएँ, चाहे मुंबई जाएँ, चाहे दिल्ली जाएँ, कोई हवाई जहाज से जाते हैं, कोई ट्रेन से जाते हैं, कोई अपने कार से जाते हैं, कोई बस से जाते हैं, अपने अपने साधनों से जाते हैं, अब साधु पद विहार आदि करते हुए जाते हैं। तो देवगण कैसे आते हैं, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, देव इंद्र मूल शरीर से कभी कहीं भी नहीं जाते हैं। मूल शरीर उनका वहीं रहता है, विक्रिया से शरीर बनाकर जाते हैं, यह नियम है। देवों की पृथक विक्रिया है, नारकियों की पृथक विक्रिया नहीं है। वो अपने ही शरीर को विकृत, सांप बनाए चाहे बिच्छू बनाए, चाहे आरा बनाए चाहे भाला बनाए, वो स्वयं अपने शरीर को बनाएंगे। उनके अपृथक विक्रिया नारकियों के, देवों के पृथक विक्रिया है। अलग अलग से रूप बना लेते हैं, तमाम रूप बना करके, और वो मध्यलोक में कहीं भी जाते हैं, आते हैं, भगवंतों के कल्याण को मनाते हैं। तो नंदीश्वर पर्व में मूल शरीर से नहीं जाते, इसलिए देव कभी ये न समझना कि वहाँ खाली हो जाएगा स्वर्ग, ज्योति औषधि के विमान कभी खाली नहीं होंगे, मूल शरीर से नहीं आते हैं। सौधर इंद्र, मैंने नंदीश्वर विधान की जयमाला में भाव संजोए हैं त्रिलोकसार ग्रंथ के आधार से। त्रिलोक प्रणति पृष्ठ 450 से 442 तक, 440 से 442 तक के प्रकरण है। सौधर इंद्र ऐरावत हाथी बनाकर आता है, उसके अपने आवियों की जाति के देव को आदेश देता है, तुम्हें ऐरावत हाथी बनना, बस ऐरावत हाथी तैयार, और श्रीपल हाथ में लेकर आता है, नारियल हाथ में लेकर आता है। ईशान इंद्र हाथी का वाहन बनवाता है, हाथी के वाहन पर चढ़ करके, और सुपारी के गुच्छे लेकर आता है, हरी सुपारी के गुच्छे लेकर आता है। सानत कुमार इंद्र मृगपति यानी सिंह, सिंह का वाहन बनाता है, और आम के गुच्छों को लेकर आता है, बहुत सारे आम लेकर। महेंद्र इंद्र घोड़े का वाहन बनाता है, और केलों को, केले के गुच्छे लेकर आता है, केले, खूब सारे केले लेकर आता है। महेंद्र इंद्र ब्रह्मेंद्र इंद्र हंस पर चढ़ करके केतकी पुष्कर में लाते। ब्रह्मेंद्र ब्रह्मसर के इंद्र हंस, हंस नाम के वाहन को, हंस नाम के पक्षी के वाहन को बनाते हैं, और केतकी पुष्प को लेकर आते हैं। ब्रह्मोत्तर इंद्र क्रौंच खक पर चढ़ते हैं, गरुड़ पक्षी के, और कमल हाथ में लाते हैं। शुक्रेंद्र शुक्र, शुक्र सर के इंद्र चकोर पक्षी पर चढ़ करके, और सेवंती पुष्प लेकर आते हैं। तोता महाशुक्र इंद्र तोता का वाहन बनाता है, तोता, तोता का वाहन बनाकर फूलों की माला लेकर आते हैं। और सतार इंद्र कोयल का वाहन बनाते हैं, कोयल, और नील कमल हाथ में लेकर आते हैं। और सहस्रार इंद्र गरुड़ पक्षी का रूप बना करके अनार फलों को लेकर हाथ में आते हैं। आनत इंद्र पक्षी का रूप बना करके पनस फलों को लेकर आते हैं, पनस कटहल फल को। और प्राणत इंद्र तुम्बरू फल को लेकर आते हैं, और पद्म विमान कमल के समान आकार का विमान बनाते हैं। आरण इंद्र पक्के गन्ने हाथ में लेकर के और कुमुद विमान पर बैठकर आता है। और अच्युत इंद्र मोर का विमान बनाता है, मोर का वाहन, और धवल सुंदर चमर लेकर आता है। ये 14 प्रकार के इंद्र कल्पवासी देव आगमित वैभव के साथ आते हैं, और भवनवासी बेंतर जोशी सभी अपने हाथ में कुछ न कुछ फल पुष्प लेकर ही आते हैं, खाली हाथ नहीं आते। अब यहाँ एक बात ध्यान में रखना है कि देवों में, चाहे भवनवासी देव हो, चाहे वेंतर, चाहे कल्पवासी, चाहे और ज्योतिर्वासी देव, यहाँ पशु नहीं है। तो ये पशुओं के वाहन कैसे बने? ये आवियोग जाति के जो देव हैं, 10 प्रकार के हैं देव,
इंद्र सामानिक त्रास्त्र पार्षद आत्रक्ष आदि देव, तो ऐसे आवयोगी जाति के देव हैं। वो आवयोगी जाति के देव अपने अपने स्वामी की आज्ञा से वाहन का रूप लेते हैं। जैसे ज्योतिराशि देव है, ज्योतिराशि जो विमान है सूर्य चंद्रमा, इनमें 16,000 देव लगे हुए हैं। एक तरफ बैल का रूप लिए, एक तरफ घोड़े का, एक तरफ हाथी का, एक तरफ सिंह का, 4,000 देव आवयोगी जाति के देव। और विक्रा से शरीर बना करके उस रूप से उसमें जुटे हुए हैं। तो उन्हें कभी कभी जो मिथ्या दृष्टि है उनको कष्ट होता है। अरे मैंने पूर्व जन्म में पुण्य किया तो देव बने, देव की पर्याय में आए, और मुझे वाहन का रूप लेना पड़ता है, पशु पक्षी का रूप लेना पड़ता है, तो दुखी होते हैं। और मेरे ऊपर ये सवारी कर रहे हैं, दुखी होते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या और दुख से कभी मर करके एक इंद्रिय हो जाते हैं और कोई सम्यक प्रकट कर लेते हैं। ओहो मैंने भी ऐसे पुण्य किया होता, साथ से पुण्य किया होता, हमने पाप मिश्रित पुण्य किया, गुरुओं की आसाधना कर दी, गुरुओं की अवहेलना कर दी, या कुत खोटी तपस्या की, मिथ्या तपस्या की आदि। ऐसे देव कभी पश्चाताप आदि करके जाति स्मरण आदि से या देवों के संबोधन आदि से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, वो पुनः मनुष्य होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो आचार्य विसार महाराज कहा करते थे हमेशा, वो कहते देखो कोई ऐसा कार्य अपने जीवन में मत करो जो देव बनो और आवयोगी देव बन जाओ, देव दुर्गति, देव जाकर के वहाँ दुर्गति रूप। तो इसलिए ऐसा पुण्य संचय करो जो देव सास गुरु की आसाधना विराधना उनकी अवहेलना कभी ना करो, उनकी निंदा ना करो ना सुनो, हमेशा आगम के अनुरूप प्रवृत्ति करते हुए सच्ची भक्ति करते हुए अपने सम्यक्त को दृढ़ रखो, सम्यक्त को शुद्ध निर्दोष बनाने की उपाय प्रयत्न करो, चेष्टा करो, प्रयास करो। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद। जब लो पूजगणनी ज्ञानमती माता जी की महानुभाव, अब आप लोगों को कल के संपन्न हुए नवग्रह शांति विधान की झलकियाँ भी देखनी है। आज का नियम नोट कर लीजिए, कल बहुत अच्छा लग रहा है कि कल आप लोगों ने 12 से 3 बजे तक फेसबुक नहीं ज्वाइन किया, अनेक लोगों के नाम हैं। आज का नियम आप रखिए कि बहुत सारे लोग मोबाइल से सेल्फी खींचते हैं, तो सेल्फी खींचने में बहुत तरह के खतरे भी लोगों के द्वारा सामने लाए जाते हैं, तो उन खतरों से भी बचना है और नियम का पालन करना है। आज के दिन आप कोशिश कीजिए और नियम कीजिए कि हम मोबाइल से सेल्फी नहीं खींचेंगे। स्वामी जी ये नाम आपको आज नाम पढ़ते हैं नवग्रह शांति विधान के लिए। चलिए स्वामी जी भी हमारे बीच में आज आ गए हैं। कल सप्तम पट्टाचार्य अनेकानंद सागर महाराज जी के पास ये स्वामी जी और डॉक्टर जीवन प्रकाश जी इंदौर गए, जहाँ गुमास्ता नगर में आचार्य श्री का संघ सहित चातुर्मास संपन्न होने वाला है। कल 108 शांति विधान के मंडलों की वहाँ पर रचना हुई और स्वामी जी का विशेष मार्गदर्शन वहाँ पर प्राप्त हुआ, आचार्य श्री ने उनको अपना आशीर्वाद प्रदान किया। तो अब आप नवग्रह शांति विधान देखेंगे कि कल भक्तों की ओर से संपन्न हुआ। ओम ह्रीं नवग्रहारिष्ट शांतिकराय नवतीर्थंकरेभ्यो नमः। जो भक्त हैं उनके नाम श्री प्रमोद कुमार पीयूष जैन मॉडल टाउन नई दिल्ली निवासी सपरिवार से, श्रीमती चंद्रप्रभा बहन की स्मृति में उनके पति प्रवीण शाह जी अहमदाबाद गुजरात निवासी सपरिवार से, श्रीमती संतोष देवी विनायका अशोक विनायका सूरत गुजरात निवासी सपरिवार से, श्री आचार्य पुष्पधन सागर गुरुभक्त परिवार मार्फत जयेश भाई जोशी दोषी मुंबई निवासी सपरिवार से, स्वर्गीय श्री नेमी चंद जैन की पुण्य स्मृति में द्वारा श्रीमती पूर्णिमा जैन इंदौर मध्य प्रदेश निवासी सपरिवार से, श्री मोहनलाल अग्रवाल जैन नीलेश कुमार जैन बालगेर उड़ीसा निवासी सपरिवार से, श्री महावीर प्रसाद छोगानी देवी गुवाहाटी आसाम निवासी सपरिवार से, श्रीमती सुशीला बेन श्री धनपाल जी झांजी संतरामपुर गुजरात निवासी सपरिवार से, श्री भारती कुशल पहाड़िया मुंबई निवासी सपरिवार से, श्रीमती मधु जैन पंकज जैन पुत्री मेघा जैन अशोक विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से, श्री सुभाष चंद कस्तूचंद साहू जी महाजन हड़को औरंगाबाद निवासी सपरिवार से,
श्री हुकमचंद गंगवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर धनपति श्रीमती सुशीला गंगवाल सूरत निवासी सपरिवार से, श्री अभय कुमार आशा जैन जरवल रोड बहराइच उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार से, श्रीमती मनोरमा जैन धर्मपत्नी श्री महावीर प्रसाद जैन कृष्णानगर दिल्ली निवासी सपरिवार से, श्री प्रिशा प्रामी विवान हितेश सुनीता जैन हैदराबाद तेलंगाना निवासी सपरिवार से, श्री सौरभ प्रियंका निशा राजन सपना अहमदाबाद निवासी सपरिवार से, श्री मदनलाल नंद कुमार वडजात्या पचार राजस्थान निवासी सपरिवार से, श्री अंशुल जैन कोटा राजस्थान निवासी सपरिवार से, श्रीमती सुरेखा प्रदीप जैन उस्मानपुरा अहमदाबाद निवासी सपरिवार से, श्री नरेश मीरा प्रवीण पूजा जैन फरीदाबाद निवासी सेक्टर 3 सपरिवार से, श्री रमेश तानवी पाटनी सूरत निवासी सपरिवार से, श्री रवि तानोत विरार मुंबई निवासी सपरिवार से, पनवी रमेश रानी सम्यक पाटनी सूरत निवासी सपरिवार से, श्री ब्रह्मचारिणी कुसुम जैन के पौत्र श्री ऋषभ जैन मुजफ्फरनगर निवासी सपरिवार से, अदिति जैन पटना बिहार निवासी सपरिवार से, श्री अशोक जर्मन एवं श्रीमती कमलाबाई जैन पूर्व उप महापौर नागपुर निवासी महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से, श्री मोहनलाल जी प्रदीप कुमार पाटनी नलवाड़ी आसाम निवासी सपरिवार से, श्री सुनील पूनम विनायका बोरीवली मुंबई महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से, श्री विमल जैन मीना जैन संघवी विपुल जैन नेहा जैन निशु जैन बिहान जैन कोलाबा मुंबई महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से, श्रीमती शकुंतला मखनलाल भरत जैन पौत्र आदित्य सुधांशु आदित्य के 12वें जन्मदिवस के अवसर पर रामनगर पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार से, सर्व पूजका नाम सर्वभक्तिका नाम च नवग्रह शांति करणार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम सर्व कार्य सिद्धि कराए सर्व शांतिम कुरु कुरु रिम नमा जय माला पूर्णार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। और अब दो शब्द स्वामी जी के भी श्रवण करें। सभी भक्तों को सूचित करना है ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से पंचामृत अभिषेक एवं शांति धारा होती है, और उसके बाद पूज्य चंदनामती माता जी एवं पूज्य बड़ी माता जी के प्रवचन उद्बोधन संबोधन प्राप्त होते हैं। उसी श्रृंखला में आज भी यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, और इसके साथ ही सभी को याद रखना है चातुर्मास स्थापना का दिवस आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी 26 जुलाई दिन गुरुवार है। मध्यान्ह 3 बजे ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी में पहली बार पूज्य माता जी का चातुर्मास होगा। माता जी का 66वां चातुर्मास है। मांगी तुंगी में पूज्य माता जी ने 2 चातुर्मास अभी संपन्न किए, 2015-2016 का। 2017 का चातुर्मास पूज्य माता जी का मुंबई में हुआ, और ये 2018 का चातुर्मास ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी में होने जा रहा है। सभी भक्तों को सादर आमंत्रण है। मध्यान्ह में 3 बजे धर्म सभा का आयोजन चातुर्मास सभा का आयोजन रखा गया है। इसके साथ ही देश के तमाम भागों में आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन चातुर्मास की स्थापना होने जा रही है। ये हमारे आगम की और मूलाचार की आज्ञा है। इसके साथ ही हमारे पारस चैनल के दर्शकों को ये भी बताना है कि ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी में जो भी भक्तगण आकर के ठहरना चाहते हैं उनके ठहरने की भोजन की व्यवस्था है।